function? I'm very, very much elated, happy, because living in Bombay, it's been 14 years for me, and Shubho Novobarsho to all of you, and I get to celebrate my New Year, Bengali New Year, here in Bombay, heart of the city, all thanks to Creative Connection and Shomudi, obviously, and aise hi bas khush hoke mil baat ke hum log sab ek dusre ke saath rehke bahut utsav manaye, festival manaye aur khush rahe, bahut masti kare bas. And what do you like to say about the Creative Connection? Creative Connection, from the time of lockdown, before lockdown, during the lockdown, we all are doing an incredible job. We are always with the people in need, and in the future we will do definitely more good work for humanity. What can you just give a message to the fans of yours? Bas अच्छा अच्छा गाना सुनते रहिए, जो डिजर्विंग टैलेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाते रहिए, और खुशियाँ बांटते रहिए, सुर में रहिए, और अपना ख्याल रखिए. शुभ नववर्ष. कैन यू जस्ट गिव अ स्मॉल मैसेज ऑफ न्यू ईयर टू ऑल ऑफ योर फैंस? यीशु हे वो ईशा केशु यीशु, यीशु हे वो ईशा केशु यीशु, तापुषु निशाशु बाए Shuri daura ei, ba shuri rabur jora, duri jag jag jag, Ishu Ishu, Ishu he bo Isha, Ishu Ishu. Naya saal aap sabko mubarak ho. Thanks. Thanks a lot. Thank you. सॉरी लुक कैमरा श्योर. थैंक यू सो मच. ये क्रिएटिव कनेक्शन ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, और क्रिएटिव कनेक्शन की जो कर्णधार है सोमुदी, तो सोमुदी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, और हर साल मुझे बुलाती है, लेकिन कुछ ना कुछ, मैं नहीं तो कोलकाता में रहती हूँ, नहीं तो कहीं और रहती हूँ, तो नहीं हो पाता है. तो इस बार तो मैं इधर थी, तो मैंने सोमुदी को बोला कि मैं, उन्होंने पूछा था, मैंने कहा मैं हूँ, बोले तू अगर फ्री है तो आ जा. मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ. तो मुझे तो जो मैं बहुत सुना है, देखा भी है मीडिया, सोशल मीडिया में, कि क्रिएटिव कनेक्शन कोविड में जैसे उन्होंने सबका हेल्प किया, जैसे उन्होंने खाना जिस डिस्ट्रीब्यूट किया, जितना अपनी तरफ से हो सके किया, तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत लोग कुछ करते ही नहीं है किसी के लिए, तो वो लोगों के बारे में सोचते हैं, कि एनिमल्स के बारे में सोचते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबको शुभ नव वर्ष. आपके सॉन्ग्स तो वैसे भी हिट है, तो आप अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कह सकते हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ गाने गा चुके हैं, तो कोविड के पहले से गाया हुआ है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है. तो पिछले साल बहुत सारा गाना आया था, इस साल भी आने वाला है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बहुत जल्दी आएगा. क्या आप अपने फैंस को न्यू ईयर विश करना मतलब कर सकते हो? हाँ बिल्कुल. न्यू ईयर, ये बंगाली न्यू ईयर है, शुभ नववर्ष सबको मेरी तरफ से. और आप सिर्फ न्यू ईयर नहीं, हर साल हर टाइम आप सब लोग अच्छे रहो, खुश रहो, और सबसे बड़ी बात है स्वस्थ रहो. आपकी आवाज में एक गाना हो गया है. गाना आज मैं थोड़ा सा गाने वाली हूँ, बंगाली सॉन्ग, लेकिन उससे पहले मैं बंगाली दो लाइन में गाती हूँ. ভালো কইরা বাজান গো দোতারা, সুন্দরী কমলানা আছে ও তো. ভালো কইরা বাজান গো দোতারা, সুন্দরী কমলানা আছে, সুন্দরী কমলা চরণে নূপুর রুনু ঝুন কইরা বাজে রে. ভালো কইরা বাজান গো দোতারা, সুন্দরী কমলানা আছে. पहले तो मैं सबको बैशाखी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ,
और समस्त আমার বাঙালি বন্ধু দর্শকদের শুভ নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সমুমিত্রের তরফ থেকে ক্রিয়েটিভ কানেকশনের ট্রাস্টের তরফ থেকে मैं एक्चुअली पहला तो आज मेरी मूवी के पहले ये बैशाखी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बैशाखी बिहू बहुत गुड़ी पड़वा सब एक साथ आते हैं नया साल और बंगाली न्यू ईयर आपको सबको ही पता है बट इस बार नया जो हमारा न्यू ईयर है ना वो थोड़ा सा फीका है क्यों बोलिए जो इंसान मेरे साथ हर टाइम हर वक्त हर हर चीज़ में शामिल थे वो है लेजेंड बप्पी लहरी जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर और 2019 में भी हम लोगों के लास्ट प्रोग्राम उन्होंने हमारे साथ धमाल किया था आज वो हमारे बीच पे नहीं है और इत्तेफाक से आज वो चले गए दो महीना पूरा हो रहा है 15th of April और 15th of February तो हम लोग सोचा था नहीं करेंगे प्रोग्राम इस साल उनके ऊपर ट्रिब्यूट करेंगे थोड़ा वक्त लेके फिर उनकी फैमिली को भी बुलाना चाहते थे बट आज समझ ही सकते हो आज का दिन एक थोड़ा सा तो ट्रिब्यूट में वो लोग शायद शामिल होंगे और दो दिन पहले ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम था वहाँ पे रेगो और रेमा लहरी आके सम्मान लिया है तो फिर क्या होता है ना ज़िंदगी मूव ऑन करना है और हम लोग चाहते हैं श्रद्धा उनको म्यूज़िक के लिए हम लोग म्यूज़िक के हिसाब से उनको दो क्योंकि वो खुश नहीं होगा अगर म्यूज़िक प्रोग्राम नहीं करेंगे तो इसलिए हमने लास्ट मिनट प्लान किया जो ठीक है हम लोग स्मॉल स्केल में बैशाखी मनाते हैं बट बहुत अच्छा लग रहा है जी हमारे प्रोग्राम की इतनी एक्सपेक्टेशन इतनी डिमांड है लोगों के बीच में और हम लोग लास्ट मिनट ही ग्राउंड में करते थे इस बार हॉल में किया बट टिल वी आर हैप्पी दैट वी आर एबल टू डू इट और ये बैशाखी होता है सबको जोड़ने का और क्रिएटिव कनेक्शन सबको जोड़ते हैं सब क्रिएटिव पीपल के जोड़ते हैं और हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं एक बच्ची है 18 साल की उसकी आँख चली जा रहा है तो हमने ऑलरेडी उनको बसंत पंचमी में उनको डोनेट किया है अभी भी हम लोग कर रहे हैं तो बस यही है मेरा ये एक बड़े लेवल पर जाए हम अच्छा काम करें और मूवी हमारे चोर और पॉकेट मार दो शॉर्ट फिल्म है जो बहुत पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया है बहुत सारे अवार्ड मिला है बस कोविड के लिए रिलीज़ रुका हुआ था तो अभी आगे ले बहुत जल्दी हम उसको रिलीज़ करेंगे और मेरी एक वीडियो भी आने वाला है हैप्पी बर्थडे शुभ जन्मदिन इट्स टू ऑल डेडिकेटेड टू माय ऑल फ्रेंड्स तो ये मैंने कोविड में मना लिया अचानक तो उसको भी रिलीज़ करेंगे हो सके आज हम इनको दिखाएँगे यहाँ पर मौका मिला तो बस यही है और हम सारे मीडिया फ्रेंड्स को भी थैंक्स बोलना चाहे जी हमारे क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट की तरफ से हमेशा आप लोग साथ में जुड़े हैं और आज हमारा बंगाली आर्टिस्ट नॉन बंगाली अरविंदा जी शक्त संचिता फ्रॉम सारेगामा आवर मेंबर्स ऑल आर परफॉर्मिंग इन वेरी लास्ट मिनट बट आई नो इट्स वेरी गोइंग टू हैपन वेरी गुड और आज पहला बैशाख में खाना भी एक ज़बरदस्त होता है कलकत्ता क्लब हमारा फूड पार्टनर है तो सब मिला जुला के बस अच्छा माहौल जम गया है आप लोग देख ही रहे और एक के बाद एक आएंगे वो हाँ और एक इम्पॉर्टेंट है जो आज हम लोग एक हमेशा सम्मान तो हम खास करके जो भी टैलेंटेड आर्टिस्ट लेजेंड आर्टिस्ट को देते हैं बट आज हम लोग अचीवर अवार्ड लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट है इसको हम अलग लेवल पे लेके जाएंगे अगले साल थैंक यू देखिए क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट 7 साल मेरी बच्चा है हमारी बच्चा है बैठे बैठे लोगों को हेल्प करते थे आर्टिस्टों को हेल्प करते थे मैं वन वुमेन आर्मी हूँ 25 साल पहले यहाँ पे आई हूँ बहुत छोटे उम्र से स्ट्रगल किया मुझे पता है स्ट्रगल क्या होता है बट एक रेस्पेक्ट से आज खड़ी हूँ और मेरी हमेशा मन था जो हम कुछ ऐसा करें जो धमाल करते अच्छे काम करते बंगाल से टैलेंट को यहाँ पर लाते हैं बहुत स्ट्रगल होता है हम कुछ खास करें फिर हम लोग आर्टिस्ट लोग जुड़ के अड्डा मारते हैं उसके साथ अगर कुछ चीज़ को अच्छा से हम बना पाए तो ऐसा करते करते क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट 7 ईयर्स इज़ गोइंग टू कम्प्लीट पूरी कोविड में 1 लाख लोगों को हेल्प किया काफ़ी आर्टिस्टों को सपोर्ट किया बस फिर क्रिएटिव काम कर रहे आगे जाके दादा के साथ अधूरा रह गया हमारा एक डॉक्यूमेंट्री आर क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट के एक यूनिटी सॉन्ग बट करेंगे एक एक करके हम लोग आगे आप लोग आशीर्वाद दीजिए थैंक यू थैंक यू एक्चुअली ये हम लोग पिछले 5-7 साल से हम लोग यही पहला बैशाख हम लोग क्रिएटिव कनेक्शन का तरफ से पहला बैशाख और हम लोग का सरस्वती पूजा करते हैं लास्ट 6th ईयर को हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग कोविड का वजह से इसलिए 6th और 7th हम लोग एक साथ में मना रहे ये हम लोग एज ए बंगाल छोड़ के सब हम लोग बाहर आते हैं बाहर है अपना मुंबई में है सबके काम
सब फिल्म इंडस्ट्री वाले ही है, सब काम का सिलसिले में हम लोग कलकत्ता से बाहर है, तो सर कलकत्ता से बाहर जितने बंगालीज लोग हैं उन लोग को इकट्ठा करके हम लोग को बंगाल का जो फील है वो देना ही हम लोग का मेन हित है। और हमारा न्यू ईयर है, हम लोग हर रोज न्यू ईयर और संस्कृति एक साथ में मनाते हैं, तो सब आते हैं जितनी बंगालीज लोग हैं, बंगालीज लोग कई प्रोग्राम है सब आते हैं, सब एक साथ में एंजॉय करते हैं, बस एक छात के नीचे सबको लाना है, यही हमारा मोटो है और यही हम लोग। क्रिएटिव कनेक्शन हम लोग जब पहला जब भी चालू किए थे तभी हम लोग बैठ के एक बार में सरस्वती पूजा का पहला एक हफ्ता पहला हम लोग मीटिंग करके फिर पीएमबी कनेक्शन का चालू किया। सोमो मित्रा इस फाउंडर है, सोमो मित्रा हम और तीन चार लोग पहला थे और सब साथ में मिलके ये चालू हुआ है। धीरे 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 सब जुड़ते गए, आज क्रिएटिव कनेक्शन बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग कोविड का टाइम पे भी काफ़ी लोगों को हम लोग हेल्प पहुँचाए हैं, सब फाउंडर जितनी मेंबर्स है मेंबर्स लोग सब हमारा फाउंडर मेंबर जो सोमो मित्र है वो सबसे आगे रहते हैं हर एक चीज़ के चीज़ में, तो उनका एक रहता है ना कि किसी के लिए बच्चे के लिए या किसी के लिए कोई गरीब के लिए कुछ करना है तो हम लोग भी सब साथ में जुड़ जाते हैं, उस हिसाब से हम लोग क्रिएटिव कॉन्शियस है। अपकमिंग्स प्रोजेक्ट्स तो लास्ट दो साल से तो हम लोग बैठे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, अभी अभी चालू हुआ है, लास्ट दो तीन महीने से चालू हुआ है, दो साल से तो कुछ किया ही नहीं है, अभी चालू हुआ है, अभी देखते हैं अभी आगे प्रोजेक्ट्स है वही सबसे करते रहेंगे। थैंक यू। एक सोलो सर, मैम एक सोलो सर, आपका भी सोलो हो गया। हाँ सर, आप थैंक यू सर, आप अपनी फैंस को आप क्या बोलना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको मुबारक हो, नया साल हजारों साल जियो, यही तेजी से दुआ दे रहा है। सुनील पाल, आप ऐसे ही हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहिए। क्रिएटिव कनेक्शन के साथ आपका सफर अभी तक कैसा रहा? काफ़ी सालों से मैं शोमो को पिछले 6-7 साल से जानता हूँ, काफ़ी सारे फंक्शन हमने साथ में किए, अच्छा लगता है। एक बंगाली कल्चर है जो हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही प्यारा कल्चर है, और सब लोग मिलकर पारिवारिक फंक्शन मनाते हैं, बच्चे से बुजुर्ग सब यहाँ पर आते हैं, हर वर्ग का हर परिवार का बच्चा बंदा यहाँ पर आता है और हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ में हालचाल पूछते हैं और साथ में खाना वाना खाते हैं, पार्टी मनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत खालीपन नज़र आ रहा है उनके फिज़िकल ना होने की वजह से, लेकिन उनका काम हर फंक्शन में, हर पार्टी में, हर क्लब में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्लास के लिए गाना बनाया, चाहे आप पूजा पाठ के लिए उनका गाना सुनना हो तो धीरे धीरे सुबह हो, या डिस्को डांस का गाना हो, पहले वह बप्पी दास संगीतकार थे बॉलीवुड के, जिनकी फिल्म डिस्को डांसर बॉलीवुड की पहली फिल्म साबित हुई 100 करोड़ कमाने वाली, कभी अलविदा ना कहना हमेशा वो गाते थे, लेकिन आज वो खुद ही हमें अलविदा कह दे, और ऐसे बहुत सारे बप्पीदा हमारे रग रग में है, इसलिए कहते हैं ना कि बप्पीदा कहीं नहीं जा सकते, ऐसे महान कलाकार इनफेक्ट कहीं जाते नहीं है, उनका काम हमेशा हमें प्रेरणा देता रहता है और ज़िंदा रखता है। बस मैं ये कहता हूँ कि धीरे धीरे सही जीवन पटरी पर आया है, हम लोग फिर से एक बार वही जीवन जीने लगे हैं जो कोरोना से पहले था। मैं चाहता हूँ कि बस ऐसी ही सुख शांति बनी रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिलके दी है कोरोना को दुनिया से विदाई और अब लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आज का जो दिन है ये बहुत एक शुभ दिन माना जाता है बंगाली कैलेंडर, इट्स आवर बंगाली न्यू ईयर,
तो मैं इस न्यू ईयर पे मैं अपने सारे बंगाली फैंस और बंगाली अगर ना हो तो भी जितने सारे मेरे चाहने वाले हैं उनको मैं मेरे तहे दिल से बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मैं मुझे चाहने के लिए, और मैं चाहूँगा पूरी साल वो ऐसे ही मुझे चाहते रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत अच्छा रहे। मैं क्रिएटिव कनेक्शन के साथ बहुत दिन से नहीं, थोड़ी दिन से मैं अटैच हुआ हूँ और मुझे बहुत खुशी है इनके साथ आके, और मैं अपना तहे दिल से मैं इनके लिए इनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा इनका और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और इनका जो क्रिएटिव कनेक्शन के जो शोमू जी हैं, शोमू मित्र जी को मैं बहुत शुभकामनाएँ दूंगा और ऑल द बेस्ट। बहुत ख़राब लग रहा है, भतीजा बहुत जूवियल इंसान थे, इतने बड़े महान कलाकार थे, महान कंपोज़र थे, महान गायक थे, और इस साल कोविड ने उनको भी हमसे छीन लिया। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, अगर होते तो बहुत बहुत अच्छा होता और हम लोग आज बहुत मज़ा करते हैं, लेकिन वो अगर नहीं है, वो जहाँ पे है वहाँ पे वो खुश रहे, शांति में रहे, यही चाहूँगा। कैमरा जो थैंक यू सो मच, जस्ट दैट एवरीथिंग इज ओपनिंग अप। First of all, very happy new year and wonderful to be back again without the mask, without, you know, the social distancing, back to the old times. Just hope we still have to be careful, and wishing everyone a very happy new year. Shubha Navabarsho, and may you all have great fun in the year to come. Nandita Puri and I represent the Om Puri Foundation, and Creative Connection and Om Puri Foundation have been doing a lot of work together. Like during the entire lockdown pandemic, we connected with the Creative Foundation group and we went and distributed food, especially in the Amphan relief work in West Bengal, in the cyclone Amphan relief work in Sundarbans. We, along with Creative Foundation, sent food to, you know, ration kits to the people who were really distressed at that time. Besides any other events of Creative Foundation, we always pitch in. So that is, you know, we work with NGOs. So that is our this thing with the Om Puri Foundation. Yes. एक तो दो साल हमारा पैंडेमिक थे तो वी डिडंट हैव फंक्शन। लास्ट टू इयर्स अगो जो न्यू ईयर्स था, थी अराउंड टू इयर्स बैक, पपीदा वॉज प्रेजेंट, ही वॉज नॉट वेल बट ही वॉज प्रेजेंट। इट सडनली क्रिएटेड अ ह्यूज वॉइड बिकॉज पपीदा वॉज नॉट वेरी ओल्ड, ही वॉज यंग एंड मोर देन एनीथिंग ही वॉज वर्किंग, ही वॉज यू नो क्रिएटिंग न्यू म्यूजिक एंड दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू मिस अ लॉट। Just stay cool, stay well, and have a lot of gratitude in your heart because we've all survived 2.5 years of terrible pandemic. So have gratitude and be kind to everyone, to human beings and to animals. क्रिएटिव कनेक्शन के साथ 3-4 साल से जुड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत रियली आई लाइक इट वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय। जी जी, उनको तो रियली वी मिस हिम अ लॉट। लास्ट ईयर आई थिंक 2019 में उनका हुआ था, 19 में मैं उनका देखा था लास्ट, बट नाउ वी आर मिसिंग रियली। एंड पैंडमिक में जो लोग हमारे साथ नहीं हैं उनको लाइक
करके इतना अच्छा उत्सव मनाते हैं उसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे आपने पैंडेमिक के बारे में बताया, तो पैंडेमिक इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट ओवर। जैसे हमारा गुड़ी पड़वा था, सिंस वी आर नॉन बंगालीज, वी आर महाराष्ट्रियंस, बट वी आर थरली एन्जॉइंग। मतलब क्या है कि जैसे हमारे सम्मानित श्री राज साहब ठाकरे, उन्होंने जैसे हिंदुत्व लिया है, वैसे हिंदुत्व के हिसाब से हमारे लिए सर्वधर्म संभावना। सो वी आर थरली एन्जॉइंग दिस वंडरफुल प्रोग्राम बाय रेडियो कनेक्शन। इवन आई एम पंजाबी, तो मेरे लिए बैसाखी हो चाहे ये नववर्ष हो, तो बताना चाहेंगे शुभ नववर्ष। वी आर ग्लैड वी आर हियर एंड वी आर एन्जॉयिंग दिस पार्टी। आप सबको भी शुभ नववर्ष, नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद आप सभी को। तो आप अपने क्रिएटिव कनेक्शन के साथ अपना सफर कैसा रहा? क्रिएटिव कनेक्शन के साथ हमारा सफ़र पिछले 7 साल से है, जब से क्रिएटिव कनेक्शन फॉर्म हुआ था। और क्रिएटिव कनेक्शन की जो फाउंडर है शुभ मित्रा, उनके साथ दोस्ती तो सालों पुरानी है। और जो उनका ये जो ये स्टेप था हम सब लोगों को, सिर्फ बंगालियों को ही नहीं, नॉन बंगालीज ऑल्सो, मुंबई में एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही जीना होता है और सबको एक साथ मिल के खुशी खुशी रहना होता है। सारे त्यौहार, सारे जो कुछ भी है, सब दुख सुख हर चीज़ में एक साथ रहें, ताकत बनी रहती है। वही है हमारा ये क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट, जहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट, क्योंकि जहाँ बंगाली होंगे वहाँ गाना बजाना होएगा ही होएगा, लेकिन उसके साथ साथ सोशल वर्क भी होता है। सपोर्ट किया जाता है लोगों को, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कोविड के दौरान काफ़ी सारा काम किया गया। और शुभ मित्रा जो कि जानवरों से डरती थी, और मैं टोटली कमिटेड हूँ जानवरों के प्रति, मेरे देखा देखी उन्होंने सालों कोविड के दौरान भी, मेरे देखा देखी उन्होंने कोविड के दौरान जानवरों को खिलाना भी शुरू किया। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ शोभू का कि उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव आया। जी इस दौरान कई सारे जो हमारे गुरुजन हैं वो अलविदा कह गए, इंक्लूडिंग माई फादर। मेरे पिताजी का देहांत हुआ 5 तारीख को मार्च के। शोकाकुल है, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती है, आगे चलती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जैसे हमने कहा आगे बढ़ते हैं हम सब, और ढांढस बनाते हैं एक दूसरे को। म्यूज़िक इंडस्ट्री ने एक हीरा, एक नगीना खोया बापिता के जाने से, एक गुरुजन चले गए हमें छोड़ के। आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा शो पर, क्रिएटिव कनेक्शन पर, हम सभी पर, है ना? तो अभी आपकी अपकमिंग जो फंक्शन, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना? कुछ बातें चल रही हैं, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए हाँ भी बोल दिया गया है, एक वेब सीरीज है, एक टीवी सीरीज है। सो जब होएगा आपके सामने आ जाएगा, राइट? Most welcome. Thank you. No, nay, without. क्रिएटिव कनेक्शन एंड शोभा मित्रा के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ी हूँ, एंड वी डू लॉट ऑफ इवेंट्स टुगेदर, काफ़ी कुछ करते रहते हैं, कभी लॉट ऑफ भजन एंड लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड शोभा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, ऑल द बेस्ट विशेज। A big loss to our industry, and I've done a lot of films with him when I was
doing heroin roles and all. And I really miss him, and he was a super duper guy and a very good human being, and he's missed terribly. I wish he was there. Thank you so much for giving me so much of love. और future में भी आप मुझे देखते रहेंगे, हो सकता है दादी के role में भी very soon. I'm doing lot of OTT and I wish you also all the best. मैं यही मैसेज दूंगा कि साल सीज़न आने वाला वक्त आपका जो है आशाओं के साथ गुजरे, आप अपने दिल में आशा बांधे रहिए और इन आशाओं से जिए, और साथ ही साथ हर रोज़ हर दिन को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरह से ज़िंदगी हमारी पिछले 2-2.5 साल में चली है, हमें नहीं पता कल होना हो, इसलिए हर दिन हर क्षण को हमें अच्छे से खूबसूरती के साथ जीना चाहिए और उसका मज़ा लेना चाहिए. क्रिएटिव कनेक्शंस के साथ मेरा संबंध काफ़ी दिनों से है, उनके शुरुआती दौर से है. क्योंकि शब्द नाम में ही क्रिएटिविटी है, तो मैं क्रिएटिव आदमी खुद हूं और हर तरह की क्रिएटिविटी से जुड़ना चाहता हूं, जुड़ना पसंद करता हूं. क्रिएटिव कनेक्शंस की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो समाज को अपने मतलब समाज में हो रहे तमाम तरह की जो कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलात हैं, उसको सुधारने में वो लगी रहती है, ना सिर्फ क्रिएटिव या कल्चरल काम में बल्कि सोशल वर्क में लगी रहती है. ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही महत्व कॉम्बिनेशन है और मैं इसके लिए उनको हमेशा बधाई देता हूँ. जी, देखिए बपीदा या इस तरह बपीदा जैसे शख्स जब नहीं होते हैं तो एक शून्यता तो रहती है ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो हमें काम दिया वो हमारे साथ है, उनकी की हुई रचनाएँ हमारे साथ हैं, उनके द्वारा फैलाई हुई जो भी सुंदरता है वो हमारे साथ है, और हम उनके मेमोरीज़ या उनकी जो यादों को अपने दिल में संजो के हम और अच्छे से अपने आप को बताने की कोशिश करेंगे.